नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सिख धर्म के तीर्थ यात्रियों के द्वारा देश भर में देशाटन कार्यक्रम किया जा रहा है और इसी के तहत ग्वालियर होते हुए जबलपुर में भी तीर्थ यात्रियों ने अपना पड़ाव डाला। इस तीर्थ यात्री दल का नेतृत्व जरनैल सिंह सीतल के द्वारा किया जा रहा है। वहीं तीर्थ यात्रियों में प्रमुख रूप से सेवा सिंह बरार, मनदीप सिंह, अमरीक सिंह व गुरा सिंह भी मौजूद रहे। अपनी यात्रा के बारे में तीर्थ यात्रियों ने भरतदीप सिंह बेदी से बात करते हुए बताया कि किस तरीके से वह देश भर में जा करके देश भर के सिख समुदाय के लोगों से मिलते हैं और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही साथ सिख धर्म के बलिदान, त्याग और सिख धर्म की शिक्षा के बारे में बताते हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। बोले सोनिहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। विश्वयात्री के वासी हैं, सिख परिवार का संबंध है। अजकल पंजाब के विच एक बहुत बीमारी फैली है देहधारी गुरुआ की, या होर किसी तंत्रक के नाल लोग जुड़ते जाते रहे, डेरिया जुड़ते जाते रहे। साड़ी कोशिश है कि डेरिया नालों देहधारियों नालों जोड़ के गुरु घर के नाल जोड़िया जाए। गुरु घर जोड़न का एको एक सौखा तरीका है कि गुरु साहबान ने कारनामे जिते जिते होए है, जिते जिते गुरु साहब के चरण पे है, वो जगावान के दर्शन कराए जान, उसका प्रबंध किड्डा वधिया है, किड्डा संपूर्ण मिलता है। असी साडा मुख मकसद है कि गुरसिखी के जोड़ना। ये साड़ी इस कोशिश के लड़ी अधीन पच्छमी यात्रा है। जो यात्रा फिरोजपुर से चल के ग्वालियर साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरण छू धरती से फिर मनमाड़ चरण छू धरती साहब श्री गुरु गोबिंद साहब, फिर तख्त सचखंड श्री हजूर साहब जो कि सारे मशहूर है। उस तो बाद चरण छू धरती साहब श्री गुरु नानक देव जी की चरण छो विदर, उस तो बाद विदर तो सिकंदराबाद, सिकंदराबाद गुरु साहब से पहुंचे हैं पर गुरुद्वारा साहब इतने नज़र नहीं आया जो कि दूजी उदासी का इतिहास दसदा। उस तो बाद जबलपुर इतने गौडे राक्ष का गुरु साहब ने आधार किया है। इस धरती से अज असी आप जी के कोल पहुंचे हैं, आप जी जागरूकता कर रहे हैं। इस तो अगर साडा मकसद है तख्त श्री हरिमंदर पटना साहब, उत्थे असी गुरु साहब की जीवनी बारे जाणांगे, अपने साथियों दसांगे गुरु साहब अजन में इतने होया है, इतिहास तो गल करावे, गुरु साहब के चरणों की शोभ धरती के तमाम दर्शन करेंगे। गुरुद्वारा हांडी साहब, गुरुद्वारा गुरु का बाग, गुरुद्वारा में राणी मेहनत मेहनत नाम याद ने अंगन घाट के तमाम गुरु का दर्शन करा के गुरु साहब के कारना में जान जावे। साड़ी कोशिश है कि सारे सिख जुड़न। उस तो बाद दिल्ली जावे, दिल्ली चरण छो प्राप्त गुरुद्वारा श्री मंगला साहब साहब श्री गुरु हरकृष्ण सिंह जी, उसे असी जावे, शीश गंज दर्शन करेंगे, इतिहास सारे जान देंगे। इस तो बाद असी 31 तरीक न साडा जथा वापस जाऊंगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस यात्रा का मेन मकसद से साहब श्री गुरु नानक देव जी का 550 साल जन्मदिन, इस वास्ते पिंड शहीद की यात्रा तैयार होकर आए हैं। मेरे नाल इस टाइम तशरीफ रखते हैं भाई साहब भाई सेवा सिंह जी, भाई साहब भाई रेशम सिंह जी, भाई साहब भाई सुरजीत सिंह जी, भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी, भाई साहब भाई गुरा सिंह जी,
ते होर सारे साथी भाई साहब परम सिंह जी खड़ोते ने सौ नाम लड़ने का काफ़ी औखा है पर काफ़ी सिंह सानू मिले ने जो यात्रा दौरान सानू अनुभव होया उस बारे भी असं बयान कर दिए कि किस तरह का सानू अनुभव होंदा है किस तरह का सानू उसे वेख्या जाता है। गुरुद्वारा साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब का जो ग्वालियर है उसे सानू बहुत सत्कार के नाल नवाजा जाता है क्यों कि यह गुरद्वारा साढ़े पिंड के संत मानयोग बाबा भजन सिंह के नाम थले सेवा करके ने जिसे कि अज संप्रदाय अरखोवाल के स्वर्गवासी संत बाबा सेवा सिंह के नाम सेवा नवाज के सचखंड नवाजे ने अज उन्हें थान से बाबा भोला सिंह जी सेवा कर रहे हैं। इस करके सानू ग्वालियर साहब के अपने घर वर्गा ही लगता है अगर मनमार जाके वेखिए मनमार की संगति बहुत चंगी है। सब तो वड्डा प्रॉब्लम यह है कि सचखंड गड्डी वास्ते लंगर लगे होंगे संत की सेवा करते हैं तो हजूर साहब की गल ही छोड़ो उसे ये कहना औखा है कि उसे कि सहूलत मिलती है ये कहना तो औखा है पर यह कहना बड़ा सौखा है कि ऐसी कोई भी सहूलत नहीं है जी सू ना मिलती हो सब सहूलत मिलती हैं संगत सत्कार कर दी है संत बाबा सतनाम सिंह जी साढ़े फिर बिलोंग करते हैं उन्होंने सत्कार ही साढ़ा हर साल का आना सत्कार ही साढ़ा पूरा सत्कार किया जाता है संत पूरी सेवा करते हैं। उस तो अगे असं आ जाते हैं नानक जीरा उत्थे भी सानू बहुत फिर जबलपुर असी अठवीं नवंबर आ जाते हैं इतने भी सानू थोड़े सामने वाली सत्कार मिल रहा पटना साहब पहला भाई इकबाल सिंह होते सा चंगा वर्ताव करते सन अज असं आ रहे हैं कोई नवे जथेदार गए हैं सा किस तरह का वर्ताव करते हैं ये बारे कुछ क्या नहीं करता पर संगत संगत गुरु घर के कुछ नहीं लौटते हैं दर्शन लौटते हैं वो सानू हो जाते हैं इस तो व्डा वो कि सू जरूर गुरु साहब सू चरण लगाते हैं मन शांत होता है मन शांत करके इतनी बड़ी सारी सहूलत कोई नहीं है साढ़े मन में शांति द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।